हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानपुंज विद्यास्के में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को 67th बीपीएससी प्री के लिए 9-100 डैश का प्रिपरेशन प्लान लेकर आई हूँ। कैसे हम लोग तैयारी करके प्री निकालें, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सिलेबस समझते हैं। तो देखिए, हिस्ट्री में 30 से 35 क्वेश्चन आता है, जिसमें कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे ये आप लोग को हम लोग बताते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए पहले आप लोग स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए और पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि हिस्ट्री ही है जो कि ज़्यादा मार्क्स उठाता है। तो और ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से ही आता है। मेडाइबल एंशिएंट पढ़ने के लिए लूसेंट बुक ही काफ़ी है। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव तैयारी करने के लिए, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए घटनाचक्र पुनरावलोकन जो है उसको ले लें। उसको बना लेने के बाद पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बिहार स्पेशल आता है 20 से 25 क्वेश्चन, जिसके लिए हम लोग क्राउन का बिहार स्पेशल पढ़ लेंगे और इम्तियाज अहमद का जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसको बना डालेंगे। तो ये दो बुक काफ़ी है बिहार स्पेशल के लिए। तो आप लोगों का हिस्ट्री हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, साइंस हो गया और करेंट, यही चार जो है, अगर चार अच्छे से प्रिपरेशन हो गया तो प्री लगभग निकल जाएगा। तो हम लोग अब साइंस के लिए देख लेते हैं। साइंस में 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि साइंस के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। घटना चक्र का जो पुनरावलोकन है उसके बना लेंगे और साइंस का जो लूसेंट बुक आता है उसको पढ़ लेंगे। उसको पढ़ लेने के बाद साइंस का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उसके बाद हम लोग करंट देखते हैं। करंट में जो है जो जो इम्पोर्टेंट है पहले मैं उसको बता दे रही हूँ, बाकी जो बाकी सब्जेक्ट है उसको थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। करंट अफेयर्स के लिए 30 से 35 क्वेश्चन, घटनाचक्र का मतलब 30 से 35 क्वेश्चन आता है, जिसमें कि घटनाचक्र जो होता है, घटनाचक्र ले लें या स्पीडी ले लें, उसके लिए हम कोई बुक नहीं कहेंगे, लेकिन घटनाचक्र जो होता है काफ़ी अच्छा होता है। तो उसको पढ़ लें, ईयरली ले लें, और फिर एक डेली न्यूज़पेपर जो कि दैनिक जागरण हो गया उसको पढ़ें। करंट अफेयर्स इतना से कवर हो जाएगा। और अगर ज़्यादा पढ़ना है तो दृष्टि का जो जो बुक आता है उसको पढ़ लेंगे, तो करंट काफ़ी अच्छा है हो जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव अगर हम लोग को 90-100-100 दिन में ही तैयारी करना है, तो उसके लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव ही बनाए तो काफ़ी है, तो घटनाचक्र से ही ठीक है। इकोनॉमिक्स देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स में 10 से 15 क्वेश्चन या कहिए 5 से 10 क्वेश्चन आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। तो उसके लिए ज़रूरी है, ज़्यादा क्वेश्चन आता है बिहार इकोनॉमिक सर्वे और बिहार बजट से ये क्वेश्चन आता है। अगर ये दोनों को पढ़ लिए तो इकोनॉमिक्स लगभग पूरा हो जाएगा। और फिर लूसेंट थोड़ा बहुत के लिए लूसेंट बुक देख लेंगे, तो इतना से इकोनॉमिक्स पूरा तैयारी हो जाएगा। उसके बाद पॉलिटी के लिए घटनाचक्र पुनरावलोकन का ऑब्जेक्टिव बना लेंगे, और फिर क्राउन का जो सामान्य ज्ञान आता है उसका जो पॉलिटी वाला सेक्शन है उसको पढ़ लेंगे, जिससे कि पॉलिटी भी कवर हो जाएगा। इसमें 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं। और ज्योग्राफी देख लेते हैं। ज्योग्राफी के लिए लूसेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे और क्राउन सामान्य ज्ञान पढ़ लेंगे और लूसेंट ऑब्जेक्टिव का जो ज्योग्राफी उसको बना लेंगे, और क्राउन सामान्य ज्ञान का जो ज्योग्राफी वाला सेक्शन है उसको पढ़ जाएंगे। फिर मैथ में 10 क्वेश्चन आते हैं, जिसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर ही काफ़ी है। और एक आता है एनवायरमेंट से, उसके लिए हम लोग ज्ञान शंकर की बुक, जो कि मैं लिखी नहीं हूँ, ज्ञान शंकर की जो बुक है उसको पढ़ लेंगे। ज्ञान शंकर बुक से पढ़ लेंगे तो काफ़ी हो जाएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें।